नमस्कार दोस्तों, पीजी टेक्निकल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी इनकमिंग कॉल आता है और गाइस ऑटोमेटिक कॉल जो है वो पिकअप हो जाता है, जी गाइस ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल की जो सेटिंग है वो आप उसे आप कैसे ऑफ कर सकते हो। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और गाइस आपको ऑल पर सेट कर देना, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आपके मोबाइल में कोई इनकमिंग कॉल आता है और गाइस ऑटोमेटिक जो है कॉल रिसीव हो जाता है, तो इसके लिए गाइस अगर आपके मोबाइल में एक ऐसी सेटिंग रहती है, अगर वो सेटिंग ऑन रहती है तो गाइस आपके मोबाइल में जो भी इनकमिंग कॉल आएगा वो ऑटोमेटिक कॉल पिकअप हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के डायलर पैड में जाना है। डायलर पैड में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर 3 लाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑटो आंसर का, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में कोई इनकमिंग कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाता है तो गाइस यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। इसके बाद गाइस आपके मोबाइल में कोई भी इनकमिंग कॉल ऑटोमेटिक रिसीव नहीं होगा, तो गाइस आपको सिंपली इस सेटिंग को ऑफ करना है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।